नमस्कार, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम बोल दिल्ली बोल। बोल दिल्ली बोल में आज हम बात करेंगे वैक्सीनेशन को लेकर। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि अब दिल्ली में शनिवार से वैक्सीनेशन नहीं होगा। वो इसलिए नहीं होगा कि हमारे पास स्टॉक ख़त्म हो चुका है और उसी स्टॉक ख़त्म होने की वजह से आम पब्लिक काफ़ी परेशान नज़र आ रही है। आइए इस विषय में जानते हैं लोगों की राय कि वो क्या कहना चाहेंगे। सर, आम लोगों के लिए तो परेशानियाँ ही परेशानियाँ हैं। आप देखिए, मतलब इसमें हमारी क्या गलती है, मिसमैनेजमेंट है ये सेंट्रल की और स्टेट की, बट लोग ये हम पे थोप देते हैं। इन लोगों ने आना है टीवी पे और बस बोल करके चले जाना है, भुगतना हमें है। काम हमारे पास नहीं है, रोज़गार हमारे पास नहीं है, हमें बेवकूफ़ों की तरह घूम। सर टोटली सर नाकाम है ये, सिर्फ ब्लेम गेम, वो सेंट्रल पे और सेंट्रल स्टेट पे, ओनली ब्लेम गेम। हाँ, बस एक दूसरे पे फुद्दू बनेंगे, अपने आप ख़त्म होगा। इनके इनको सिर्फ टाइम चाहिए कि ये अपने आप किस तरीके से ख़त्म हो जाए। इन लोगों के लिए कोई प्लानिंग नहीं, इन लोगों के पास ये सिर्फ ये जानते हैं कि टाइम पे अपने आप जाते जाते, जैसे एक घाव होता है ना सर, कि चोट लग जाती है, हाँ चोट लग जाती है, वो 15 दिन 20 दिन पे फिर वो अपने आप ही ठीक होनी शुरू हो जाती है। अगर आप उस पर कुछ करें, हाँ कुछ भी बोल, इन लोगों को कोई लेना देना नहीं है इस बात से। परेशानी तो होगी ना, जिन्होंने स्केड्यूल कर रखा है ऑलरेडी, जैसे मैंने अपने मदर के लिए कर रखा है, देन मुझे अपने फादर का भी करना था, ठीक है। अब उन्हें मुझे 28 को लेके जाना था, वो एकदम ही कैंसिल हो गई, ये तो सही नहीं है ना। और इवन मुझे भी जाना था अभी, क्योंकि मैं भी 18 प्लस हूँ, मेरे को भी लगवानी थी वैक्सीन, क्योंकि थोड़ा समय बाद हमारा ऑफिस स्टार्ट होगा, अभी वर्क हो रहा है, क्योंकि इवन क्योंकि हमारे घर में भी हमारे ताए जी जो हैं वो भी। सरकार ने जल्दबाजी नहीं कही फैसला लेने में, डेफिनेटली तो जल्दबाजी ही है। क्या लगता है आपको, कहीं ना कहीं सरकार फेल नजर आती है? ऑब्वियसली मेरे हिसाब से तो हाँ। ऐसे में कहना चाहेंगे, अगर स्टॉक ही नहीं था तो पहले बोलना नहीं था, है ना। लॉकडाउन कंटिन्यू चलने देना था, जल्दबाजी में फैसला लिया है। और कई बार ऐसा हुआ कि डोज एक ही लग पाई, दो डोज नहीं लग पाई है किसी किसी को, हाँ दूसरी लगाएंगे, वो दूसरी डोज भी नहीं मिली है। और कई बार ये प्रॉब्लम आ रही है कि सेंट्रल सप्लाई नहीं कर रही है। आम जनता को कितनी परेशानी होगी? इसको आम जनता में ये परेशानी है कि बंदा ये है कि लगवा लेता है, उसे तो पता है कि उसे ठीक है, चलो लगवा लीजिए, पर दूसरी डोज नहीं मिल रही। अब उसका क्या मतलब रीजन है, अभी तो गवर्नमेंट ही जाने जहाँ तक है। स्टॉक खत्म हो गया अरविंद केजरीवाल को, कहीं ना कहीं ये नहीं माना जाएगा कि ये सरकार, ये गवर्नमेंट का ही फॉल्ट है। अगर जैसे मान लो, हाँ अगर हमारे पास मान लो इतनी सिस्टम ही नहीं, स्टॉक ही नहीं है, तो पहले तो अब्रॉड ही मतलब इन्हें नहीं देना चाहिए था, जल्दबाजी नहीं करना चाहिए, स्टॉक बाहर भी सप्लाई नहीं करना चाहिए। हाँ फेलियर सरकार है, ये तो है। बंद कर दिया है तो स्टॉक की वजह से बंद किया है उन्होंने, अगर जैसे स्टॉक आएगा तो वो शायद ओपन करें। और जो वैसे ज़रूरी तो है इस, जैसे अभी क्राइसिस चल रहे हैं, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। हाँ नहीं, अभी अभी जैसे बंद कर दिया उन्होंने, अभी तो दिक्कत आ रही है, जो लगवाना चाह रहे हैं सबको ही लगवानी है वैसे तो। अब जैसे देखो, उम्मीद करते हैं कि जल्दी से जल्दी ओपन करें वो। तो देखा आपने, लोगों का कहना है कि हम पहले ही कोरोना की दूसरी लहर से काफ़ी परेशान हो चुके हैं। और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि अब दिल्ली में वैक्सीनेशन नहीं होगा तो वहीं हमारी परेशानियां और बढ़ चुकी हैं। जैसे कि लोगों का कहना ये भी है कि अब दिल्ली सरकार कहीं ना कहीं फेल हो चुकी है। कैमरा पर्सन मनीष ढोंडियाल के साथ मैं राहुल, ABN News दिल्ली।